करता है। हृदय से स्वागत कर रही हूँ ज्योति की कुकिंग पाठशाला में। और आज हम बनाने जा रहे हैं मूली की भुजी, जिसे कि मैं आज बिना उबाले बनाने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाते हैं मूली की भुजी। मूली की भुजी बनाने के लिए हमने 1 किलो मूली ली है और 1 किलो मूली के अंदर जितने पत्ते थे इसे हमने बारीक चॉप करके 3 से 4 बार धो लिया। और ये मूली है इसे हमने कद्दूकस किया है। सरसों का तेल है तड़के के लिए। 2 प्याज और 3 टमाटर को हमने बारीक चॉप किया है। 6 लहसुन की कलियां हैं और 1 इंच अदरक का टुकड़ा इसे हमने कद्दूकस किया है। 3-4 हरी मिर्च इसे हमने बारीक चॉप किया है। 1/2 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1/2 चम्मच सूखा धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 2 चुटकी हींग, 1 चम्मच नमक। तो चलिए बनाते हैं मूली की भुजी। आज हम बिना उबाले मूली की भुजी बनाने जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने कुकर को गैस पे चढ़ा दिया है। कुकर के अंदर हम सरसों का तेल डालेंगे 1 बड़ा चम्मच। आप अपनी जरूरत के हिसाब से तेल को कम ज्यादा कर सकते हो और साथ ही साथ आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी तेल यहाँ पे यूज कर सकते हो। तेल गर्म हो चुका है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल रही हूँ और चम्मच से हिलाते हुए हल्का सा पकाएंगे। जब लहसुन और अदरक हल्का हल्का पक जाए तो उस स्टेज पे हम इसके अंदर जीरा ऐड करेंगे और साथ ही साथ हींग भी डाल देंगे और सभी चीजों को चम्मच से हिलाते हुए लाइट गोल्डन कर देंगे। यहाँ पर सभी चीजें लाइट गोल्डन हो चुकी हैं, तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर बारीक चॉप की हुई प्याज डालेंगे और सभी चीजों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से पकाएंगे। प्याज को हम लाइट गोल्डन रखेंगे, ज्यादा हमें प्याज को नहीं पकाना है। प्याज यहाँ पर लाइट गोल्डन हो चुकी है, तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर टमाटर ऐड कर रहे हैं। मैंने टमाटर को बारीक चॉप किया है। अगर आप इसे मिक्सी में पीसना चाहते हो या फिर कद्दूकस करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो, जैसे भी आपको पसंद हो। तो देखिए, चम्मच से हिलाते हुए हमने 2 से 3 मिनट तक सभी चीज़ों को मिक्स कर दिया है। अब हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे। हमने यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहो तो डालिएगा, नहीं तो स्किप कर दीजिएगा। हल्दी पाउडर डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है और साथ ही साथ अब हम इसमें नमक भी डाल देंगे। नमक और मिर्च आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हो। और अब हम इसमें बारीक चॉप की हुई हरी मिर्च भी डाल रहे हैं। सभी चीज़ों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए पकाएंगे। अब हम इसे कुछ देर के लिए ढककर के पकाएंगे, जिससे कि पेस्ट बहुत ही अच्छे से तैयार हो जाए। कुछ देर हो चुकी है, तो अब ढक्कन हटाते हुए हम ग्रेवी को चेक कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं चम्मच से हिलाते हुए ग्रेवी को चेक करूंगी। आपको बैकग्राउंड से थोड़ी आवाजें आ सकती है तो उस चीज को आप इग्नोर कीजिएगा। और यहाँ पर हमारी ग्रेवी अच्छे से पक करके तैयार है। ग्रेवी अच्छे से पक चुकी है, तो इस स्टेज पे हम इसके अंदर कद्दूकस की हुई मूली को ऐड करेंगे। मूली को कद्दूकस करने के बाद इसका एक्स्ट्रा पानी आप बिल्कुल भी मत निकालिएगा और इसी तरह से आप इसे कुकर के अंदर डाल दीजिएगा। मूली और मूली का पानी और मूली के पत्ते हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभकारी है, तो अब हम इसमें मूली के पत्ते ऐड कर रहे हैं। आप कुकर या कढ़ाई किसी भी खुले बर्तन में इसे बना सकते हो। यहाँ पर हमने मूली के सारे ही पत्तों को कुकर के अंदर डाल दिया है और चम्मच से हिलाते हुए सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। जब हम स्टार्टिंग में इसमें मूली और मूली के पत्ते ऐड करते हैं तो उस टाइम पर इसे मिक्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर जैसे जैसे ये सब्जी पकेगी वैसे वैसे ये कम होती चली जाएगी। तो देखिए, चम्मच से हिलाते हुए सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी तरह से कुछ देर के लिए पकाएंगे। आपको ये सब्जी बिल्कुल धीमी आंच पर पकानी है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। अब हम इसे कुछ देर के लिए ढककर के पकाएंगे।
कुछ देर हो चुकी है तो ढक्कन हटाते हुए हम सब्जी को चेक करेंगे। बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में आपको सब्जी को इसी तरह से चेक करना है और चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करना है ताकि सब्जी कुकर के अंदर लगे ना और जले ना। तो देखिए चारों तरफ से हम सब्जी को अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और हम बीच बीच में इसी तरह से चम्मच को हिलाते रहेंगे ताकि सब्जी बिल्कुल भी जले ना। मिलते हैं कुछ देर के बाद। 3-4 मिनट के लिए मैंने सब्जी को इसी तरह से चम्मच से हिलाते हुए खुला ही पकाया है और अब हम इसे कुछ देर के लिए ढक कर के पकाएंगे। कुछ देर हो चुकी है तो ढक्कन हटाते हुए सब्जी को चेक करेंगे और साथ ही साथ चम्मच से हिलाते हुए सब्जी को चेक कर रहे हैं और आप देख सकते हो कि सारी सब्जी कितने अच्छे से मिक्स हो गई है और कलर भी इसमें कितना सुंदर आया है। यहाँ पर सब्जी काफी अच्छे से पक रही है। तो मिलते हैं कुछ देर के बाद। चार से पांच मिनट के लिए इसी तरह से हमने चम्मच से हिलाते हुए मूली की भुजी को खुला ही पकाया है और यहाँ पर हमारी मूली की भुजी पककर के तैयार है। इस स्टेज पे मैं इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। ये बिल्कुल होममेड है और इसका लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे हरा धनिया भी चॉप करके डालना चाहते हो तो वो भी आप इसमें डाल सकते हो और सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मैंने हरे धनिए को स्किप किया है और मैंने आपको पहले मूली की भुजी को उबाल करके भी बताया है कि किस तरह से बनाना है, तो उसका लिंक भी आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सभी चीज़ों को चम्मच से हिलाते हुए अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम इसे 2-3 मिनट तक ढक करके पकाएंगे। 3 मिनट हो चुके हैं तो ढक्कन हटाते हुए मूली की भुजी को चेक करेंगे और चम्मच से हिलाते हुए मूली की भुजी को चेक करेंगे। आप देख सकते हो कि बीच बीच में बार बार चम्मच से हिलाते रहने से सब्जी बिल्कुल भी बर्तन में लगती नहीं है और जलती नहीं है। तो यहाँ पर हमारी मूली की भुजी बनकर के तैयार है और अब हम मिलेंगे सर्व करने के बाद। आप देख सकते हो कि यहाँ पर हमारी मूली की भुजी बनकर के तैयार है और देखने में कितनी यम्मी दिख रही है, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी है। आप मूली को उबाल करके जब बनाते हो तो उस भुजी का टेस्ट अलग आता है और इस भुजी का टेस्ट अलग है। तो आप देख सकते हो कि हमारी मूली की भुजी कितनी परफेक्ट तैयार हुई है और आप इसके साथ रोटी, परांठा, नान, कोई भी चीज़ सर्व कर सकते हो और ये सभी चीज़ों के साथ काफ़ी टेस्टी लगती है। मूली और मूली के पत्तों को उबाल करके मूली की भुजी आपने कई बार बनाई होगी, एक बार इस तरह से भी बनाइएगा। और मैं आपको चम्मच में लेकर के दिखा रही हूँ कि हमारी मूली की भुजी कितनी परफेक्ट तैयार हुई है। फ्रेंड्स, आपने देखा कि हमारी मूली की भुजी बनकर के तैयार है और आज मैंने इसे बिना उबाले बिल्कुल अलग तरीके से बनाया है जो कि सभी को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है। देखने में जितनी यम्मी दिख रही है खाने में उतनी ही टेस्टी है। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपकी मूली की भुजी कैसी बनी और घर परिवार में सभी को कैसी लगी। ये झटपट तैयार हो जाती है, ज्यादा टाइम इसमें नहीं लगता है। अगर आप नए आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल का बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि मेरी कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आगे शेयर जरूर कीजिएगा और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।